वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाई फ्रेंड्स, दिस इज सीए विशाल सलूजा इंट्रोड्यूसिंग एंड कमिंग विथ यू वीडियो नंबर पार्ट नंबर 5 ऑफ फंड रेजिंग IPO। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ द फंड रेजिंग, बिकॉज जो मैं एग्जाम्पल इस वीडियो में लेने वाला वो इंटरकनेक्टेड है विथ दिस ऑल द 4 पार्ट्स। सो दिस आर द बेसिक, यू कैन से द पार्ट नंबर 1 एंजल इन्वेस्टर्स, पार्ट नंबर 2 वेंचर कैपिटलिस्ट, थर्ड वन इज अबाउट बैंकर द बैंकर, एंड द फोर्थ वन इज प्राइवेट इक्विटी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट नंबर 5, इट्स ऑल अबाउट द IPO। IPO दैट गोइंग टू बी स्टैंड्स फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है? सिंपल से बात यह समझ लो कि जो शेयर्स अभी तक हमने कंपनी ने अभी तक जो शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, अब वो फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही वो शेयर्स, इट्स गोइंग टू से दैट इट्स एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड कंपनी गो IPO? कंपनी IPO क्यों जाएंगी? कुछ एडवांटेज होगा, दैट्स वाई ना। तो प्रमोटर्स को तीन मेन एडवांटेज हो रहे हैं। पहली बात तो उसकी जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए। सेकेंड, अगर हम IPO लेके आएंगे तो हमको डेप्ट रेज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम डेप्ट रेज नहीं करते तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम रहेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहेंगी एंड इट्स गोइंग टू बी बेनिफिट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। थर्ड वन इज अबाउट यू कैन से डायरेक्टली इट्स गोइंग टू बी अ प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका इम्पैक्ट और रिस्क है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टूवर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग। ओके, सो लिमिटेड रिस्क जितना आप शेयर्स आप रहेंगे उतनी लिमिटेड रिस्क रहेंगे, इट्स गोइंग टू बी से दैट। इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूँ तो प्रमोटर्स इज गोइंग टू स्प्रेडिंग देयर रिस्क विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो देर आर अदर मोर एडवांटेजेस आ गया, जस्ट लाइक दैट एक बार इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर और पब्लिकली ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो गई तो अर्लियर इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देन सेकेंडली रिवॉर्ड करना है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना है तो क्या करेंगी कंपनी, स्टॉक्स अपने उनको अलॉट कर देंगी और स्टॉक्स अलॉट करने के बाद एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में। हम उसी को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय ईस्टॉप्स बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन बोलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर आपको देखना है तो इन्फोसिस आर द बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एंड द लास्ट वन इज दैट इम्प्रूव द विजिबिलिटी। इम्प्रूव द विजिबिलिटी इज ऑल अबाउट, कभी कोई शेयर अगर लिस्ट हो गया तो वो हमेशा जब भी वो न्यूज़ में रहेगा तो एक पिक्चर इमेज फॉर्मेशन हो जाता है और जैसे जैसे पिक्चर फॉर्म होंगी बिजनेस ग्रो होगा तो गुडविल बढ़ेंगी तो बिजनेस वैल्यूएशन भी बढ़ते रहेंगे एंड द बिजनेस इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली रन ऑफ इट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई शुड कंपनी गो पब्लिक, एडवांटेज है दैट्स व्हाई कंपनी पब्लिक जा रही है और उसका और कोई यू कैन से और कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी सारे बेनिफिट्स है जो कंपनी को इनडायरेक्टली वे में होता है। नाउ व्हाट इज द कैपेक्स रिक्वायरमेंट का सोर्सेस कहाँ से रहेंगे? आप कंपनी ने कैपेक्स की रिक्वायरमेंट थी कंपनी की 200 करोड़ की, अभी 200 करोड़ की कैपेक्स की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी सोच रही है कि उसके जो 8 लाख शेयर जो अभी तक उन्होंने इशू नहीं किया है, उसकी जो 8 लाख शेयर्स है वो अब कंपनी क्या करने वाली, पब्लिक को ऑफर करने वाली। और कंपनी ने एस्टिमेट किया क्योंकि भी जो बिजनेस वैल्यूएशन है वो 125 लाख टू 150 करोड़ रुपीज़ है, मतलब लोअर साइड में 125 करोड़ है और हायर साइड में 150 करोड़ है और 8 लाख शेयर्स आते हैं। तो अगर मैं बिजनेस की वैल्यूएशन के हिसाब से अगर नंबर ऑफ शेयर्स की पर शेयर की वैल्यू निकालूँ तो वो करीबन इतनी आती है, इज गोइंग टू 1562 रुपीज फॉर लोअर लिमिट एंड 1875 फॉर द हायर लिमिट के लिए आती है। तो ये 1562 से 1875 ये जो रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेट करता है प्राइस बैंड। इस प्राइस बैंड के बीच में ये शेयर लिस्ट हो सकता है, इस बैंड के बीच में कहीं भी लिस्ट हो सकता है। ओके, सो दिस इज द अमाउंट दैट कंपनी वॉन्ट टू रेज फ्रॉम द IPO, 125 टू 150 करोड़ रुपीज वो IPO से रेज करने वाली है और बाकी का जो भी अमाउंट रिमाइंडर बचता है, रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचता है वो इंटर अर्निंग्स जो है उसमें से वो रेज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टॉकिंग अबाउट, गोइंग टू बी अपेक्स की रिक्वायरमेंट और सोर्स उसकी कैसे फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, कैन कंपनी अलोन गो विद द IPO प्रोसेस? नो, कंपनी का ये काम है ही नहीं IPO प्रोसेस में लाने का, कंपनी का काम है बिजनेस को ग्रो करने का और बिजनेस में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर एक को प्लेयर लो रोल प्ले करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट्स अ मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स को ही हम बुक लर्निंग लीडिंग मैनेजर्स बोलते हैं और लीड मैनेजर्स ही बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंपनी को हेल्प करते हैं IPO की प्रोसेस में लाने के लिए। अब इसमें क्या हेल्प होती है उसके अंदर, फर्स्ट वन अगर हेल्प की प्रोसेस की बात करें तो पहली बात होती है
कंडक्ट करना ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, मेनली द लीगल ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना कंपनी की है कि नहीं। अब लीगल कंप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में कंपनी के क्या लीगल कंप्लायंसेस पूरी फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही, इसके रिस्पेक्ट में वो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस करती है, जहाँ पर कंटिन्यूस अप्रेजल होता है, एक एग्जामिनेशन होती है कंपनी की, जहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी का प्रॉपरली कंप्लायंस फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही है, एक चीज हो गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका और किसमें हेल्प करती कंपनी की, हेल्प करती इन प्रिपेयरिंग द लिस्टिंग डॉक्यूमेंट, लिस्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज DRHP, DRHP मतलब ड्राफ्ट रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। नाउ ड्राफ्ट रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद हम बात करते हैं कि कंपनी को वो हेल्प करता है अंडरराइटर के फॉर्म में करता है, इसमें से क्या करता है ये अंडरराइटिंग करता है कुछ पार्ट ऑफ द शेयर्स और फुल ऑफ द शेयर्स, मतलब पार्ट या फिर फुल पूरे शेयर्स अपने बाय कर लेता है और वो क्या करता है सेल करता है टूवर्ड्स पब्लिक को सेल कर देता है वो, ठीक है। नाउ कंपनी को ये हेल्प करता है टू अराइव टू देयर प्राइस बैंड, जैसे मैंने प्राइस बैंड अभी अराइव किया था हमने 1562 से लेके 1875, 1562 इज अ लोअर बैंड वेट, इज अ लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो है वो 1875 की रहेंगी। नाउ ये हेल्प करता है कंपनी को मार्केटिंग करने के लिए उसकी आईपीओ को, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आईपीओ का कैसे उसको प्रमोशनल एक्टिविटी, यू कैन से इन शॉर्ट प्रमोशनल एक्टिविटी करना, आईपीओ को मार्केटिंग करना और आईपीओ को आगे जाके बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही हम मार्केटिंग करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपॉइंट करना बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को, चाहे रजिस्ट्रार्स हो गए ओके, जिसके फिन करके कैसे रहती है, एंड देन उसके बैंकर्स को भी बैंक को कर देना अपॉइंट, सो दैट वो पैसा कलेक्ट करेगा, एंड देन उसके अलॉटमेंट जो होगा या फिर रिफंड जो होगा वो प्रोसेस पूरा कंडक्ट करेगा, देन बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होंगी एक्सेट्रा। सो ये पूरी प्रोसिबिलिटीज जितनी सारी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, जो जो एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट रहेंगी, वो सारी चीजें क्या करेंगे मर्चेंट बैंकर करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द मर्चेंट बैंकर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ आईपीओ की इवेंट सिक्वेंसेस कैसे रहेंगी वो देखने के लिए हम देखेंगे कि आईपीओ कैसे सिक्वेंसली फॉलो होता है। तो पहले तो हमने अपॉइंट किया मर्चेंट बैंकर्स को, सेकेंडली हमने अप्लाई किया आरबीआई को विद रजिस्टर स्टेटमेंट के साथ ओके, वहाँ से सेबी के पास हमने रजिस्टर स्टेटमेंट फाइल किया ओके, रजिस्टर स्टेटमेंट हमने फाइल कर दिया सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। हमको सेबी के पास से नोड मिलेगा, नोड मिलना इन सेंस कि आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप आईपीओ में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, अगर नहीं जा सकते हो तो आपको स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर आप जा सकते हो तो उसके अंदर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा DRHP। DRHP इज ऑल अबाउट द होल डॉक्यूमेंट अबाउट द कंपनी, DR ड्राफ्ट रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर उसके बाद हमको मार्केट करना पड़ेगा आईपीओ को, सिंपल सी बात है आईपीओ ला रहे हो उसको सक्सेस करना है तो मार्केट तो करना पड़ेगा, आईपीओ को प्राइस बैंड को फिक्स करना पड़ेगा, देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस होंगे। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज नथिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द बीड्स। हमको अलग अलग प्राइस पॉइंट्स में रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे उसको क्वांटिटीज को रिस्यूट करेंगे ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है अलग अलग प्राइस पॉइंट्स के साथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज को कलेक्ट करने की उसको बुक बिल्डिंग बोलते हैं। एंड देन क्लोजर होंगे उसकी, यस आईपीओ क्लोज होने के बाद उसका क्लोजिंग आईपीओ क्लोज होगा एंड देन उसका लिस्टिंग डे आएगा ओके, लिस्टिंग डे आएगा, ऑल अबाउट द लिस्टिंग डे आएगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ लिस्ट होने के बाद क्या होगा कैसा होगा सब चीज देखते हैं। सिंपल सी बात है कोई भी आईपीओ कोई भी स्टॉक का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले जो बाइंग और सेलिंग जो भी शेयर्स की होंगी उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। एक बार स्टॉक लिस्ट हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर और पब्लिकली अवेलेबल हो गया फॉर ट्रेडिंग करने के लिए तो वो होगा सेकेंडरी मार्केट। अब ये स्टॉक की प्राइसेस क्यों फ्लक्चुएट होती डे बाय डे और स्टॉक में ट्रेडिंग क्यों करते लोग, इसके बारे में बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो जो हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसमें क्वेश्चन क्लियरिटी मिलते जाएंगे। अभी तो क्लियर हो गया प्राइमरी मार्केट क्या होता है स्टॉक मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। नाउ देयर आर फ्यू आईपीओ जार्गन्स आ गया, यस यस आईपीओ के कुछ जार्गन्स आ गया ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि हमने शेयर्स को ऑफर किया गया था 1 लाख शेयर्स ऑफर किया गया एंड बीड से हमने रिसीव किया 90,000, तो 10,000 शेयर्स अंडर सब्सक्राइब किया गया, अंडर सब्सक्राइब हुआ है, अंडर सब्सक्राइब हुआ तो आईपीओ सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि हमने शेयर्स ऑफर किया था 1 लाख और हमने बीड रिसीव किया 2 लाख की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 2 टाइम्स हो गया ठीक है, यस। थर्ड वन इज ग्रीन शू ऑप्शन होता है, ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होता है कि हमने शेयर्स ऑफर किया था 1 लाख, बीड्स इश्यूड हुआ 2 लाख और अभी यहाँ पर अंडरराइटर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं कि जितना शेयर उसने ऑफर किया गया था उत्तर से वो 15% एक्स्ट्रा क्या कर सकता है इशू कर सकता है, मतलब 1 लाख का 15% 15,000 मतलब 1,15,000 वो क्या कर सकता है इशू कर सकता है इस ग्रीन शू ऑप्शन में, इसी को हम ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन बोलते हैं, सब ये ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही हो सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ फोर्थ पॉइंट इज ऑफ फिक्स प्राइस बैंड, मतलब फिक्स प्राइस बैंड मतलब एक ही प्राइस रहेंगी इसके अंदर, जिसके अंदर उसी प्राइस पे ही फिक्स प्राइस आईपीओ बोलते हैं इसको, सब उसी आईपीओ उसी एक ही प्राइस पे ही आएगा उसी पे ही लिस्ट होगा। नाउ लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट इज ऑफ प्राइस बैंड एंड कट ऑफ। प्राइस बैंड सपोज 100 से 125 तक है ओके, अब ये प्राइस बैंड हो गया 100 से 125 है, अपर लिमिट 125 है और लोअर लिमिट 100 की है।
कट ऑफ प्राइस मतलब जिस प्राइस पे वो स्टॉक मार्केट पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है उसको हम कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। सपोज वो लिस्ट हो 125 पे तो उसको कट ऑफ प्राइस बोलेंगे 125। सो इट्स ऑल अबाउट द आईपीओ। हमने देखा है कि अभी रिसेंट बहुत सारे आईपीओ आए और उस आईपीओ में बहुत से लिस्टिंग गेन्स हुई है। तो जैसे ही आईपीओ आता और लिस्ट होता उस दिन आपको लिस्टिंग गेन होता, बहुत से लोग लिस्टिंग गेन कमा के निकल जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द लिस्टिंग गेन के लिए ही बहुत से लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल है जो मैं आपको बताऊंगा कि देर आर फ्यू आईपीओ आते हैं जिसमें किसने कितने लिस्टिंग गेन किया है। मैंने अपने स्टॉक टॉक के ग्रुप्स के अंदर, पर्टिकुलर सब स्टॉक टॉक के ग्रुप्स के अंदर मैंने शेयर किया है। इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉक टॉक ग्रुप जस्ट यू कैन यू हैव टू मैसेज मी। एंड येस लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो बी ऑलवेज हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। येस प्लीज डोंट फॉरगेट टू बेल पुश द बेल आइकॉन एंड येस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। इट्स विशाल सलूजा साइनिंग ऑफ।